फ्रेंड इसके 24 स्लॉट हैं और इसको 3 स्पीड में बांधना है। 3 स्पीड में किस तरीके से बांधना है, कुछ कॉयल का बनाने का कुछ तरीका होता है थोड़ा हटके, तो वो कैसे बनानी होती है 3 स्पीड दिखाने के लिए, ताकि हमारी 3 स्पीड आ जाए। चलिए तो ऐसे 4 कॉयल बनानी होंगी हमें, जिसमें पहली कॉयल में या दूसरी कॉयल में, तो हमें आमने सामने की कॉयल लेनी है। जैसे कि सपोज एक सेट हमारा यहाँ पर आएगा, एक सेट यहाँ है, तो इन सेट में हमें थोड़े टन कम रखने हैं, 40 टन कम। फ्रेंड ये जो है पहली कॉयल, मेरी जो फर्स्ट वाली कॉयल बनी इसमें मैंने 70 टन रखे हैं, जो दूसरी कॉयल है इसमें 110 टन है, और तीसरी में भी 70 टन है, और चौथी में भी 110 टन है। फ्रेंड ये ऐसा हो गया कि ये कॉयल डलेगी, फिर उसके बाद ये दूसरी डलेगी, तीसरा नंबर पे आएगी, तो पहली और तीसरी आमने सामने हो जाएंगी, तो इनमें टन हमारे कम है, जो कि स्पीड की लिए हमने ऐसा किया है। तो स्पीड की ये 2 कॉयल बनाई है मैंने, जिनमें से 40-40 टन की ये कॉयल हैं, ये 20 टन एक कॉयल के लगा करके और 20 टन दूसरे कॉयल के लगा करके, ये 40 टन है, जिसमें से जैसे कि ये हमारा एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो ये 20-20 टन की, यानी कि 2 कॉयल होंगी एक तरह से। मैंने एक कॉयल पहले 20 टन की बनाई, उसको काट दिया 20 टन की, ये 2 कॉयल बना दी, और फिर उसके बाद 20 टन की ऊपर से एक कॉयल और बना दी 20-20, यानी कि 40 टन तो ये टोटल हो गए, और ये 2 सिरा हो गए। फ्रेंड ऐसे करके 40 टन की ये वाली कॉयल होगी। तो ये हमें कौन कौन सी कॉयल में डालनी है, ये पहली और तीसरी कॉयल के साथ में मिला के डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको डालना, कि डालना किस तरीके से, ये 3 स्पीड तब आएगी इसमें। ये फर्स्ट वाली कॉयल का सिरा जो हमने कुछ इस तरीके से लेना है, ये मान लीजिए ये सिरा मैंने आगे की साइड में कर दिया है कुछ ये इस तरीके से, ये हमारा सिरा ये आगे की तरफ आ चुका है। और अब ऐसे ही हमें एक कॉयल इसमें से ले लेनी है, ये लीजिए 20-20 टन की है, 2 कॉयल एक जगह है, तो ये इनमें से एक लेनी है। फ्रेंड एक कॉयल मैंने इसमें से ले ली है, क्योंकि ये कॉयल कई सारी इकट्ठी एक जगह हो रही है, तो थोड़ा उलझावा सा लग रहा है। तो इसमें ये स्पीड वाली कॉयल का हमारा टन भी इस तरीके से आ चुका है, और ऐसे ही हमें जो लोडिंग है हमारी उसको भी ले लेना है। तो हमारी ये 3 वायर कुछ इस तरीके से हमारी एक साइड में हो जाएंगी, ये 3 वायर हमारी एक साइड हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, 2 हमारी स्पीड रहेंगे और 1 हमारी जो रनिंग है वो रहेगी। फ्रेंड हमारी कूलर जो किट है इसकी 24 स्लॉट हैं, हमारी पिज्जर रहेगी वो 4 और 6 रहेगी, फिर 4 पे हमें जो है हमारी कॉयल के 2 टन लगाने हैं कुछ इस तरीके से, हमें इसमें डाल देना है इसको। फ्रेंड इसको कुछ इस तरीके से डालना होगा, और इसको कुछ इस तरीके से डालने के बाद मैं इसको पूरा इधर कर देना है, यहाँ इसको थोड़ा सही कर लेना है कुछ इस तरीके से, इसको अच्छी शेप दे देनी है। अब इसमें हमें जो है 1 टन घुमाना है, तो हमारा पहला टन तो ये हो चुका है, फिर सेकंड टन हम जो इसमें डालेंगे, तो यहाँ हाथ रख लेंगे पहले, और कॉइल को कुछ इस तरीके से करके अंदर डबल कर लेंगे इस कॉइल को, और डबल करने के बाद फिर इस कॉइल को इसके अंदर एंटर करेंगे, इस वाले हिस्से को भी इसमें डाल देंगे। हाँ। ये 2 काम तो यहाँ तक हो चुका है, इसमें पीवीसी सीट का टुकड़ा लगाना है, और ऊपर से फिर इसको किस बांस की फन्नी इस तरीके से बना करके, और इसको पूरा नीचे को बैठाना है, क्योंकि इसमें दूसरे में जो स्टार्टिंग वाली कॉयल की फर्स्ट वाली कॉयल है 4 पिच की, वो इसके अंदर आएगी ऊपर से, इसमें 3 टन स्टार्टिंग की कॉयल का लगेगा, तो हमें इसको नीचे बैठाना है। और ये अब फिर से इसमें जो है, अब ये तो हमारी एक पहली वाली पिच 4 कंप्लीट हो चुकी है, अब फिर से ऐसे ही चक्कर इसका घुमाना है कुछ इस तरीके से,
और हमें ऐसे चक्कर घुमाते रहना है और इसे पिच 6 पर डालना है। चलिए फ्रेंड इसको डालते हैं पिच 6 पर। और ये दूसरी सलाद भी इस तरीके से डाल देना है इसको। ये पहला टर्न हो चुका है, अब ऐसे ही फिर से इसको ऐसे ही घुमाना है। यहाँ उंगली लगा लेनी है इधर की तरफ और इस तरीके से इसको घुमाना है, फिर से इसको अंदर डाल देना है। पीछे के ऊपर फिर से एक टर्न और लगाना है।
का इनर इधर है और इस वाले का इनर इधर है, इसमें ये आउटर है और इसमें इधर की तरफ आउटर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा फर्क आ चुका है इस वाली हमारी थर्ड वाली कॉयल में, जबकि फर्स्ट वाली कॉयल में हमने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही डाल दिया था, इसका भी इनर इधर ले लिया था, इसका भी इनर इधर ले लिया था। अब इसके में थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है, बस हमें यही देखना है था इसमें फ़र्क जो आ चुका है इस फ़र्क को हमें समझना है बहुत ज़रूरी। सब वैसे ही है, इसमें दो टन डलने हैं पिच चार में और पिच छः में तीन टन डलने हैं। ये तीन कॉयल इसकी डल चुकी हैं, इसका ये आउटर वायर ये तीसरी वाला सेट का जो है आउटर वायर आ चुका है, इधर इसका इनर वायर ये आमने सामने के आ चुके हैं। अभी इसका फोर्थ सेट डालना है यानी कि चौथा सेट। तो अब इसका चौथा सेट जो है वो किस तरीके से डालना है, तो इसका इनर जो हमें इधर लेना है, तो फिर इसका ये आउटर हमारा इधर इधर इसका आउटर और ये इसका इधर इनर आ चुका है, ये इसका आउटर बन जाएगा फ्रेंड। ये इसका प्रोसेस है पूरा जो कि अब ये कंप्लीट होने वाली है, सेम वही बाइंडिंग में जो हमने बाकी के तीन सेट में बाइंडिंग की है सेम वैसे सेट इसके कम्प्लीट हो चुके हैं, पूरी तरीके से डल गए हैं। तो इनमें जो है चारों सेट रनिंग के हो चुके हैं और इसके साथ प्लस इसकी स्पीड वो भी दोनों सेट इसमें डल चुके हैं। स्पीड इस वाले ये फर्स्ट सेट और थर्ड सेट में है और इसमें जो है हमें स्टार्टिंग डालनी बाकी है, तो स्टार्टिंग का प्रोसेस भी वही है, बस फर्क इतना है जो स्टार्टिंग के सेट है उसमें हमारे 110 टन है, उसका गेज जो है वो एक टन इसमें कम डलेगा फर्स्ट वाली कॉयल जो हमारी यहाँ से पिच चार पे जो हमारा डलेगा, तो यहाँ पर डालना है प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फ्रेंड इतना काम ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी स्टार्टिंग में डल चुकी है, जैसे कि इधर की साइड मैंने इस पर बंद बांध दिया है और अब काम आता है इधर का, इसमें बंद भी बांधना और कनेक्शंस भी करने हैं। तो फ्रेंड ये जो है हमारी एक वायर ये है जो हमारी रनिंग की है और इसमें एक वायर है रनिंग की, ये दो तीन वायर है हमारी जिनमें से एक रनिंग की है और दो स्पीड की है। ये हमारी स्टार्टिंग की वायर है एक ये और एक ये, दोनों एक शेडिंग वायर इनके बीच में हमें अस्तर पेपर लगाना है कुछ इस तरीके से, अस्तर पेपर का कुछ साइज ले लेंगे इस तरीके से, जितनी चौड़ी पट्टी ले लेंगे और लंबी जितनी हमारी यहाँ से यहाँ तक गोलाई आ जाए पूरी उतनी गोलाई की ले लेंगे। अब इसे लगाने के लिए फ्रेंड हमें थोड़ी सी कॉयल को थोड़ा आगे करना होगा, तो इस तरीके से कॉयल को आगे कर लेंगे और ये इसके बीच में आराम से फंसा देंगे ताकि ये हमें स्टार्टिंग वाला ये अंदर कर लेने हैं क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो अंदर है। हमें अस्तर लगाते समय थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है कि ये हमारा जो इनर और आउटर वायर जो हमारी कनेक्शन है इसके हमने छोड़ा था थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है फ्रेंड। इस तरीके से कुछ अस्तर लगाना है इसमें, इसमें कनेक्शन हमें करने हैं जो हमारी थ्री वायर है, जैसे कि इसमें एक वायर हमारी रनिंग की है बाकी दो स्पीड की है और एक रनिंग की वायर ये है हमारी। तो हमें सबसे पहले हम इसकी कॉमन वायर बनाएंगे, कॉमन वायर कौन कौन सी मिला करके बनानी है तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की दोनों वायर ले लेनी है और हमें ब्लू वाली वायर में जोड़ देनी है, तो ये हमारी कॉमन वायर बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा इंसुलेशन साफ़ करना होगा इसको जोड़ने के लिए फ्रेंड। फ्रेंड ये ब्लू वायर इसमें जोड़ देनी है, ये ब्लू तो हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि कॉमन वायर है हमारी, और ये तीन वायर जोड़ने का और कैपेसिटर की वायर जोड़ने का करना है। तो हमारा न्यूट्रल तो हमारे बन चुका है, अब हमें देखनी है रनिंग हमारी कौन सी वाली है। तो जो रनिंग की वायर हमारी ये इन तीन वायर में से वही रनिंग की जो वायर है वो ये वाली है, क्योंकि ये दो जो है ये स्पीड वाली वायर है। तो अब हमें जो है इस पर लगा लेते हैं ये इस तरीके से, इस पर एक मार्क लगा दिया, ये रनिंग वाली वायर है हमारी इनमें से कौन कौन सी। तो एक सर्किट हमारा ये है जो कि सर्किट है, तो वो ये है। तो हम ये जब सर्किट चेक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर है, अब हमारी रनिंग जो है वो ये है। अब हम जो है करना कनेक्शन, तो हमें इसमें सीरीज बनानी होगी, तो हम इस रनिंग के साथ में इस वाली स्पीड को यहाँ प्लस कर देंगे। अब हमारी सीरीज जो है वो यहाँ से यानी कि इस न्यूट्रल से अभी यहाँ तक बन चुकी है। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे हम स्पीड का जो दूसरा वाला सिरा है वो हमारा कौन सा है। तो हमारा स्पीड का जो दूसरा सिरा है वो ऑफिशियली हमारा इधर की तरफ एक सिरा हमारा जॉइंट हो चुका है और एक इधर हमारा एक जॉइंट होने वाला है, तो हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे
तो ये जो है ये कौन सा वाले सिरे से बोलेगा, ये हमारा इस वाले सिरे से बोल रहा है, तुम इस वाले सिरे को छोड़ देंगे और इसको जो हमारा जो इधर वाले से बोल रहा था उस वाली स्पीड का, इसके साथ में इसको प्लस कर देंगे, तो इनको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमारी जो है ये हमारी हाई स्पीड रहेगी और ये मीडियम स्पीड रहेगी जो वाइट वाली वायर लगेगी, और ये हमारी जो सबसे लो स्पीड रहेगी फर्स्ट वाली, ये जिसमें रेड वाली वायर जोड़नी है। तो हमारा ये है ये पूरा सर्किट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब इसमें स्पीड वायर हम जोड़ देते हैं, तो हमारी जो सबसे हाई वाली स्पीड होगी तो सबसे पहले हम वो जोड़ेंगे। तो हाई वाली हमारी स्पीड जो रहेगी वो ब्लैक वाली वायर रहेगी, हमें कनेक्शन कुछ करने होंगे इस तरीके से। तो हमें ब्लैक वायर कैसे जोड़नी है, पहले हमें ये वाली वायर हमें ब्लैक वायर के साथ जोड़ देनी है और ये मीडियम वाली के साथ और ये वाली लो यानी कि सबसे पहली वाली स्पीड के साथ, एंड इस वाले को हाई स्पीड पे जोड़ देना है जो कि हमारा सबसे हाई स्पीड रहेगी। तो ब्लैक वाले के साथ इसको जोड़ देना है। फ्रेंड ये पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और इसमें अब ये सब सोल्डिंग भी हो चुके हैं, हमारा हाई स्पीड है। और ये इधर जो है कैपेसिटर की एक वायर निकाल देंगे और कैपेसिटर की दूसरी वायर जो हमें निकालनी है स्टार्टिंग में, तो वो जो ये है तो इसको भी इधर ही ऐसी ले लेंगे, तो इसमें भी हम एक कैपेसिटर की दूसरी वायर इसमें हम निकाल देंगे, एक वायर को इसमें कनेक्ट कर देना है। पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है मोटर और जैसे कि इसमें धागा दोनों साइड से बन चुका है और ये स्पीड वायर बन गई है इसकी, ये न्यूट्रल है वाला न्यूट्रल है, और तो इसकी फर्स्ट स्पीड है वो रेड है और जिस मीडियम स्पीड है वो वाइट है और जो कि हाई स्पीड है वो ब्लैक है।